प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग आज हम शुरू कर रहे हैं रेनबो क्लास फाइव क्लास फाइव की अंग्रेजी की कक्षा में आज पहला चैप्टर है लेसन वन डोंट गिव अप छोड़ो नहीं या त्यागो नहीं यह एक पोयम है जिसमें देखिए ये चित्र बच्चे यहां देखिए कुछ हाथों में लेकर के चढ़ रहे हैं कहां चढ़ रहे हैं इस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ठीक है ये बच्चे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और यहां देखिए इसमें ये बच्चे पहाड़ की चोटी पर ऊपर पहुंच चुके हैं कैसे ये पहुंचे हैं निरंतर प्रयास करके पहुंचे हैं अपना हौसला बढ़ा करके निरंतर चलते हुए पहुंच गए हैं तो आइए इसी घटना को हम कविता के माध्यम से पढ़ते हैं इन्हें बढ़ावा देने के लिए इन्हें बकअप करने के लिए इनका हौसला बढ़ाने के लिए कविता लिखी गई है आइए इसे पढ़ते हैं इफ यू कीप ऑन गोइंग इफ यू कीप ऑन गोइंग आई नेवर रिस्ट इफ यू कीप ऑन गोइंग And never stop. You can keep on going. You can make it to the top. You can keep on going. You can make it to the top. Life is full of mountains. Life is full of mountains. Some are big and some are small. Some are big and some are small. But if you don't give up, but if you don't give up, you can overcome them all. You can overcome them all. So keep on going, try not to stop. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, when you keep on going, you can make it to the top. यू कैन मेक इट टू द टॉप ये कविता है इसको आप लाइब्रेड तरीके से पढ़िएगा आइए इसके कठिन शब्दों को देखते हैं न्यू वर्ड्स वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग की पॉन कीपन माने जारी रखना नेवर नेवर माने कभी नहीं फुल ऑफ माउंटेन्स फुल ऑफ माउंटेन्स कठिनाइयों से पूर्ण गिव अप, गिव अप मीन्स प्रयास छोड़ना ओवरकम ओवरकम माने सफल होना काबू पाना मेक इट मेक इट माने पूरा करना आइए इस कविता का अर्थ समझते हैं इफ यू कीप ऑन गोइंग इफ माने यदि यू माने तुम कीप ऑन माने जारी रखते हो गोइंग माने जाना यदि तुम जार, जाना जारी रखते हो एंड नेबर स्टॉप एंड माने और नेबर माने कभी नहीं स्टॉप माने रुकते हैं और कभी नहीं रुकते हो यू कैन कीप ऑन गोइंग यू माने तुम कैन माने सकते हो कीप ऑन गोइंग माने जारी रखना तुम जाना जारी रख सकते हो यू कैन मेक इट टू द टॉप यू माने तुम कैन माने सकते हो मेक इट माने पूरा करना टू द टॉप माने चोटी पर पहुंचने में तुम चोटी पर पहुंचने का कार्य पूरा कर सकते हो लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स लाइफ माने जीवन इज माने फुल ऑफ माने भरा हुआ माउंटेन्स माने कठिनाइयों से जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है सम आर बिग सम माने कुछ आर माने है बिग माने बड़ा कुछ बड़ा है एंड माने और सम आर स्मॉल सम माने कुछ आर माने है स्मॉल माने छोटा कुछ छोटा है बट इफ यू डोंट गिव माने लेकिन माने यदि यू माने तुम डोंट माने नहीं गिवअप माने छोड़ते हो यदि तुम नहीं छोड़ते हो यू कैन ओवरकम माने तुम कैन माने सकते हो ओवरकम माने सफल होना या काबू पाना देम all माने उन सभी पर तुम उन सभी पर सफल हो सकते हो उन सभी पर काबू पा सकते हो किस पर कठिनाइयों पर माउंटेन्स पर ठीक है आगे सो कीप ऑन गोइंग so, माने इसलिए कीप ऑन माने जारी रखो गोइंग माने जाना इसलिए जाना जारी रखो ट्राई नॉट टू स्टॉप ट्राई नॉट माने प्रयास नहीं करो टू स्टॉप माने रुकने का इस, रुकने का प्रयत्न नहीं करो व्हेन यू कीप ऑन गोइंग व्हेन माने जब यू माने तुम कीप ऑन माने जारी रखोगे गोइंग माने जाना जब तुम जाना या चलना जारी रखोगे यू कैन मेक इट टू द टॉप यू माने तुम कैन माने सकते हो मेक इट माने पूरा करना टू द टॉप माने चोटी तक पहुंचने में तुम चोटी तक पहुंचने में सफल हो सकते हो तुम चोटी तक पहुंच सकते हो इसलिए प्यारे बच्चों हमें कोई भी कार्य करना चाहिए तो क्या करना चाहिए निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए जब हम निरंतर चलेंगे निरंतर उसके लिए प्रयास करेंगे अपने कार्य को करने के लिए अपने कार्य को पूरा करने के लिए तो हम एक न एक दिन उस कार्य को पूरा कर ही लेते हैं आइए इस पाठ के बोधात्मक प्रश्नों को करते हैं कंप्रिहेंशन क्वेश्चन Christians का मतलब बोधात्मक प्रश्न आंसर वेयर आर द चिल्ड्रेन गोइंग वेयर मैंने कहा आर मैंने द चिल्ड्रेन बच्चे गोइंग मैंने जा रहे बच्चे कहा जा रहे हैं जी हां माउंटेन्स पर चढ़ रहे हैं पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो उत्तर हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू द माउंटेन बी व्हाट डज द वर्ड माउंटेन मींस इन द पोयम व्हाट माने क्या डज द वर्ड माने शब्द माउंटेन्स माने पहाड़ी मीन्स मैंने मतलब है इन द पोय माने कविता में कविता में माउंटेन शब्द का क्या मतलब है क्या बताया गया मीनिंग माउंटेन्स का कठिनाइया तो दर्ड माउंटेन मीन प्रॉब्लम इन द पोयम सी कंप्लीट द लाइन्स सम आर बिग एंड समॉल कुछ बड़े कठिनाइया है और कुछ छोटी कठिनाइयान मेक इट टू दक पहुंच सकते हो चोटी तक पहुंच सकते हो वाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोयम व्हाट मैंने क्या डू यू लर्न मैंने सीखे हो फ्रॉम मैंने से दिस पोयम मैंने इस कविता से इस कविता से क्या सीखे हो इस कविता से तुम क्या सीखे हो हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए हमें निरंतर चलते रहना चाहिए वी वी लर्न फ्रॉम दिस poem. वी शुड नॉट स्टॉप हमें रुकना नहीं चाहिए वर्ड पावर When वी टर्न ऑन अ tap, वी टर्न इट ऑफ टू जब हम टोटी को खोलते हैं तो हम इसे बंद भी करते हैं लर्न द वर्ड्स फॉर दीज एक्शंस एंड देयर अपोजिट लर्न माने याद करिए वर्ड्स माने शब्द फॉर दीज एक्शंस इन क्रियाओं के और उनके विपरीतार्थक शब्द के भी यहां देखिए टोटी खोलने को क्या कहते हैं टर्न ऑन और बंद करने को टर्न ऑफ स्विच आप बल्ब जलाते हैं शाम को स्विच ऑन और जब बुझाते हैं तो उसको कहते हैं स्विच ऑफ कोट पहनते पहनने को या कपड़ा पहनने को पुट ऑन और उतारने को क्या कहते हैं टेक ऑफ लाइट आग जलाने को क्या कहते हैं लाइट और आग बुझाने कहते हैं पुट आउट ठीक आगे कोई चीज फ्रीज में रखते हैं पुट इन याल रखते हैं पुट इन और जब उसको बाहर निकालते हैं तो टेक आउट अब आ जाइए एक्टिविटी राइट द फॉलोइंग स्लोग ऑन ए चार्ट पेपर एंड हंग इट इन योर क्लासरूम यहां नीचे कुछ स्लोगन दिए गए हैं इनको चार्ट पेपर पर इसी तरह से सजा करके लिखना है और आपको अपने कक्षा में इसको लटकाना है हंग करना है ठीक है क्या लिखा हैंग हैंग करना है इसको ठीक पहला क्या है ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट ट्राई एंड ट्राई अगेन बार बार प्रयास करो तुम सक्सीड हो गए सफलता प्राप्त करोगे एट लास्ट माने अंत में अंत में तुम्हें सफलता मिलेगी ही आगे क्या है गॉड हेल्प दोज हुल्प गॉड माने भगवान हेल्प सहायता करते हैं दोज माने उनकी हु माने जो हेल्प्स माने सहायता करते हैं देमसेल्व्स माने अपने आप की ईश्वर या भगवान उनकी ही सहायता करते हैं जो अपने आप की सहायता करते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे वेयर माने जहां देयर माने वहां इज अ विल माने इच्छा देयर माने वहां इज माने है ए विल माने ए वे माने रास्ता जहां इच्छा शक्ति है वहां पे रास्ते निकल जाते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आप लोग इन पोस्टर्स को बना करके अपने क्लासरूम में लगाइएगा और इनसे सीख भी लीजिएगा कि हम अगर निरंतर कार्य करते रहे तो हमें सफलता मिलती ही है भगवान उनकी ही सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं और जहां दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वहां रास्ते निकल ही जाते हैं तो मिलेंगे अगले पाठ के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार